क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में सिखाऊंगा, जिसे यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम पे जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उसे रीड ओनली बना सकते हैं और कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अपना वेरिएबल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे प्रोग्राम पे एक वेरिएबल है एग्स, और अगर हम लोग इस वेरिएबल के अंदर 10 को स्टोर करेंगे तो उसके बाद में हम लोग इस वेरिएबल x के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 बना सकते हैं और उसके प्रीवियस जो वैल्यू है उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x जो है ये एक वेरिएबल है और इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने प्रोग्रामिंग पे कुछ रीड ओनली वेरिएबल्स को यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल जिसके वैल्यू को आप लोग अल्टर नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें आप लोगों को पाई वैल्यू को यूज़ करना है, मैथ के पाई, तो मैं एक फ्लोट वेरिएबल को यूज़ करूँगा और वेरिएबल का नाम होगा पाई और इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे 3.142। ये पाई वैल्यू जो है 3.142 ये आपके प्रोग्राम के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब है कि हम लोग इसके वैल्यू को अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पाई इक्वल टू 5 भी बना सकता हूँ, ये इनवैलिड है। आप लोग चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम पे इस पाई के वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, तो आप लोग इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इस पाई वेरिएबल को एक कांस्टेंट बना सकते हैं और एक रीड ओनली वेरिएबल बना सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करना है। तो अभी ये पाई वेरिएबल जो है इसके वैल्यू को हमारा प्रोग्राम अल्टर नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं अल्टर करने की कोशिश करूँ पाई इक्वल टू 5, तो फिर मुझे एरर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बिल्ड एंड रन करूँ तो देख सकते हैं एरर आ गया है, और अगर मैं लॉग्स ओपन करूँ एरर लॉग्स, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। तो अभी हमारे प्रोग्राम इस पाई वेरिएबल के वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकता है। और एक बात है कि जब आप लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं और एक रीड ओनली वेरिएबल को यूज़ करते हैं इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके, तो आप लोगों को जब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तभी उसे इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। मतलब है कि यहाँ पे मैं पहले इसे डिक्लेयर करके बाद में वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करके अभी बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरर आ गया है, और अगर मैं एरर लॉग्स ओपन करूँगा तो भी यहाँ पे ये कहेगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। तो जब आप लोग एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं जो एक रीड ओनली वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आप लोगों को जब आप लोग उसे डिक्लेयर करते हैं तभी उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके एक वेरिएबल को हम लोग रीड ओनली वेरिएबल बना सकते हैं जिसे अपना प्रोग्राम अल्टर नहीं कर सकता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैं इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके एक रीड ओनली वेरिएबल को क्यों क्रिएट करूं, मैं अपने प्रोग्राम पे इस पाई वेरिएबल के वैल्यू को कभी चेंज नहीं करूँगा, तो मुझे इस कॉन्स्ट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम को राइट करेंगे तभी बाय मिस्टेक हम इस वेरिएबल के वैल्यू को अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस पाई को कुछ एक्सप्रेशन पे यूज़ कर रहे हैं, तो तभी आप लोग बाय मिस्टेक कहीं पे पाई प्लस प्लस लिख सकते हैं, तो इस पाई वेरिएबल के वैल्यू जो है वो अल्टर हो जाएगा। और अगर आप लोग इसे कॉन्स्टेंट और रीड ओनली बनाएंगे तो अगर आप लोग कुछ ऐसा एरर करेंगे फिर आप लोगों का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो मिसबिहेव करेगा।
तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो है कि हम लोग इस कॉन्स्ट कीवर्ड को ज़्यादातर फंक्शन के लिए पॉइंटर्स को पास करते वक्त यूज़ करते हैं, और मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पाई को चेंज करूँगा, पाई इक्वल टू 3.142। और अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग करूँगा, void display। और हमारा ये display फंक्शन जो है ये एक float pointer को as a parameter लेता है। तो यहाँ पे होगा float और मेरा pointer होगा ptr। तो ये हो गया function prototyping, और हम लोग इस function के body को define करेंगे, और ये होगा void display। और यहाँ पे इस function का parameters, तो float स्टार ptr एक पॉइंटर फ्लोट टाइप का, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग बस जो भी वैल्यू हमारा ptr पॉइंट करता है उसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा printf, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे %f फॉर्म स्पेसिफायर को, और उसके बाद हम लोग वैल्यू एट ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू हमारा ptr पॉइंट करता है उसे प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग इसे सेव करेंगे और इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्प्ले, और हमें अभी अपना इस पाई वेरिएबल के एड्रेस को पास करना है। तो मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करूँगा एंड pi, और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को मिला है 3.142। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस ptr पॉइंटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे आल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं राइट करूँगा स्टार ptr इक्वल टू 200.0 फ्लोट वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग एक printf फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पाई वेरिएबल को रेफ़र करेंगे, और मैं अभी इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले हमारा पाई वेरिएबल का वैल्यू 3.142 था, और डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर पहले हम लोग ने जो भी वैल्यू ptr पॉइंट किया है उसे प्रिंट किया, तो यहाँ पे आया 3.142। और उसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे चेंज किया, हम लोगों ने 200 किया। तो यहाँ पे जब हम लोग इस मेन फंक्शन पे वापस आ जाएंगे तो हमारा पाई वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आल्टर हो गया। तो यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इस पाई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तभी हम लोग अपने प्रोग्राम पे इस पाई को यूज़ करके उस वैल्यू को आल्टर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग इस पाई वेरिएबल के एड्रेस को यूज़ करके वैल्यूज़ को आल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पाई वेरिएबल का वैल्यू जो है ये आल्टर हो गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये फंक्शन पैरामीटर जो है इसे रीड ओनली बना सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कॉन्स्ट को यूज़ करना होगा। और यहाँ पे इस फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में भी मैं कॉन्स्ट को यूज़ करूँगा, और उसके बाद ऐसा करने के बाद अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो अभी यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू ये ptr पॉइंट करता है उसे हम लोग आल्टर नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एरर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके फंक्शन के पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंट और रीड ओनली बना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप लोग बाय रेफरेंस पास करेंगे और पॉइंटर्स को यूज़ करके वैल्यूज़ को एक फंक्शन पे पास करेंगे तो आप लोग जो वैल्यू पास करते हैं वो आल्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पाई वेरिएबल का वैल्यू आल्टर नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टेंट रह गया है। तो इस तरह हम लोग
const कीवर्ड को यूज़ करके अपने प्रोग्राम पे रीड ओनली वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप लोग रीड ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तभी उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, और आप लोग इस const कीवर्ड को फंक्शन के पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तभी जो वैल्यू यहाँ पे आप लोग पास करेंगे वो इस ptr रीड ओनली वेरिएबल जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो ये था दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं facebook.com/learninglad, और आप लोग मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं learninglad.in। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।